मध्य प्रदेश विधानसभा में मानसरोवर सभागार में विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह द्वारा लिखित एवं शिवना प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक विधानमंडल पद्धति एवं प्रक्रिया का विमोचन किया गया। पुस्तक का विमोचन के कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, पूर्व नेता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीता सरन शर्मा, एनपी प्रजापति की उपस्थिति में पुस्तक का विमोचन किया गया। ऐसे आदमी एपी सिंह साहब, एपी सिंह साहब से मेरा परिचय जब मैं 32 साल पहले सदन में आया था तभी हुआ था। और तभी इतने मीठे आदमी थे, इतने मीठे आदमी मैं थे, मतलब अभी भी हैं। इतने आदमी इतने मीठे थे उस समय कि आप घंटा आधा घंटा बगल में बैठ जाओ तो डायबिटीज होने का डर लगता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि पुस्तक विमोचन के लिए रखा गया है और मेरा ये प्रयास रहा है कि कुछ भी अल्प ज्ञान मैंने इस संसदीय सेवा में अर्जित किया उसके माध्यम से कुछ सेवा इसके माध्यम से भी अभी माननीय सदस्यों को और उसके माध्यम से प्रदेश भी कर सकूँ तो मेरा एक सौभाग्य होगा। जैसा हम सभी जानते हैं कि ज्ञान बहुत असीमित होता है, ज्ञान भी अथाह और अति विस्तृत है। हमारे द्वारा लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था को अंगीकार किया गया है, इसलिए लोक कल्याण के कार्यों और जन समस्याओं को सभा में उठाने का कार्य जन प्रतिनिधियों के रूप में संसद और विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। साथ ही नीतियों का आकलन और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का दायित्व भी विधायिका को ही दिया गया है। इन सभी महत्वपूर्ण दायित्वों के निर्वहन के लिए विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से ही सदस्यगण विधायिका की कार्रवाई में भाग ले पाते हैं। संसदीय लोकतंत्र की सफलता स्थापित संसदीय पद्धतियों, प्रक्रियाओं और परंपराओं पर निर्भर करती है।